नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। अपना दल कमेरावादी केंद्रीय कार्यालय से हजरतगंज चौराहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जोरदार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्या की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई है। हजरतगंज चौराहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन करने के साथ साथ अपना ज्ञापन सौंपा। पटेल को सुरक्षा दो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो। क्या मुझे है जो यहाँ तक पहुँची, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 जुलाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपना दल के संस्थापक का जन्मदिन होता है और उनको हम सब के बीच में विदा हुए 17 अक्टूबर 2009 से लगभग 15 वर्षों का समय हो रहा है और इन 15 वर्षों में लगातार हम सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि जिन्होंने हमें विचारधारा दी उनकी मौत की हत्या की सीबीआई जांच हो और उसका जो भी निष्कर्ष है वो हमारे सामने आए। और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद इस आंदोलन को जो सड़कों से लेकर सदन तक चलने का काम कर रही हैं राजमाता पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल जी जो हम सब की अगुवाई भी कर रही हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सत्ता में रहने के बावजूद भी अभी तक के आप लोग की सुनवाई नहीं हो पा रही है और भी लोग जो है पटेल के खानदान के लोग हैं सत्ता में, उन्हीं ने भी अपील की है, सदन में भी कहा गया, मगर अभी तक के सरकार पर जो नहीं रहेंगे, क्या वजह रही है? देखिए, मुझे नहीं पता कि जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का अंश होने के नाते सत्ता में मलाई काटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ न्याय हो इस बात की सवाल वहाँ उठाया है कि नहीं उठाया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, जो लोग उनको चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं, ये समाज और ये जनता चाहती है कि हमारे पुरोधाम जिनको मानते हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच हो और उनको न्याय मिले। सर, अभी तक दलितों के लिए बात की जा रही है, सब न्याय के लिए आवाज़ उठाई जाती है, मगर इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के कुछ ऐसे लोग चुप बैठे हैं। देखिए, सरकार नहीं, जो उनके मानने वाले हैं वो लगातार सड़कों से लेकर सदन तक इस बात को उठा रहे हैं और अब सरकार को, जब तक सरकार इस बात पर हमें न्याय नहीं दे देती या जवाब नहीं दे देती तब तक ये आंदोलन लगातार सड़कों पर उठता रहेगा। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखिए, हम लोग अपने केंद्रीय कार्यालय से अंबेडकर मूर्ति जो हजरतगंज में, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक, थैंक यू।